वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने निर्वाचन नामावलियों सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, ADM वित्त राजेश कुमार सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, SDM कैंपियरगंज अरुण कुमार सिंह, SDM गोला राजेंद्र बहादुर सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करते हुए मतदाता पहचान पत्रों का वितरण कराया जाए। इसके अलावा मृतक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काट कर सूची को दुरुस्त किया जाए। सर वो व्यस्त थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप बता लेंगे प्रश्न आज क्यूज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट थिंग डिसाइड वाज हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड दे इंसिस्टेड नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो आ रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फिट के बारे में बात करेंगे। तो ये दो बेसिक इश्यूज हैं। फिट में अभी हम लोग को केवल इतना देखना है कि जो मतदाता आ रहे हैं, मतलब एज ऑन द क्वालिफाइंग डेट पात्रता पूरी करते हैं सब कुछ, उनका नाम मतदाता सूची में हो। और उसके बाद फिट के बारे में कुछ बातें करेंगे। फिर कभी अभी हमें इसी चीज पे एम्फसाइज करना है, नॉट बियॉन्ड दैट एट दिस स्टेज। और इसके बाद हम लोग हर सप्ताह या 10 दिन के अंदर रिसीव करेंगे इस बार, क्योंकि ये सेंसिटाइजेशन बैठक है आपके साथ पहली बार। आप लोगों ने बीच में काफी अच्छा काम किया, जनवरी के बाद फरवरी मार्च में अप्रैल मई में आपके साथ काफी कंडीशन ऐसी थी कि आपका ध्यान कई जगह और भी आपको देना पड़ा, नो इशू। सभी सक्षम और कार्यकुशल रहे, हम लोग बहुत ही कम समय में अच्छा कार्य कराते रहे हैं। पंचायत चुनाव में आप लोगों ने पूरा का पूरा मतदाता सूची बनवाने से लेके इलेक्शन तक सब कुछ किया है। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपरेंट हेल्थ पैरामीटर ऑफ इलेक्टोरल रूल, उसके बारे में हमें ध्यान देना है। तो ध्यान देना ही नहीं, उसको हमें करके दिखाना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट डिप्टी एंड समर आप लोग को भी कोई कंफ्यूजन हो बीच में, यू आर फ्री एंड वेलकम टू रेज योर क्वेरी एट दैट स्टेज। में आए सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूँ और सीओ सर की अनुमति से बहुत संक्षेप में कुछ चीजें आपके संज्ञान में लाऊंगा जिनके परिणाम भी मिला है। जैसा कि सर ने बताया, सीओ कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया था, उसमें दो कैच वर्ड बार बार कमीशन ने इस्तेमाल किए, फर्स्ट वॉज हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल और दूसरा प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल। हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल के कुछ पैरामीटर्स हैं जो अभी हम आपको डिस्प्ले भी कर देंगे, आप अपना ERO नेटवर्क टॉप मैनेजमेंट डैशबोर्ड से उसकी डेली समीक्षा भी कर सकते हैं। आज की जो रिपोर्ट है वो मैं चाहूँगा समर्पित टीम को उसको आपके सामने ला दें। अगर हम इसे इस रिपोर्ट को देखें तो आज जिन बिंदुओं का हमें ध्यान देना है, और गत एक माह से हम लोगों ने इसमें एफर्ट भी काफी किया है, अब पूरे प्रदेश में कुल 2111 फॉर्म्स ऐसे हैं जो पेंडिंग बियॉन्ड टाइमलाइन है। उसी तरह पूरे प्रदेश में 2069 फॉर्म्स ऐसे बचे हैं जो अभी अनप्रोसेस स्थिति में, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमीशन का इन दोनों फॉर्म्स के बारे में बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था में इनकी संख्या शून्य होनी चाहिए।
कोई फॉर्म गवर्नमेंट पे जैसे ही फीड होता है उसको पीएलओ असाइन हो जाना चाहिए। उसी तरह कोई फॉर्म जब आप फीड कर देते हैं ईआरओ नेट पे तो ईआरओ को उसके बाद कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, और जो फॉर्म 45 दिन तक विस्तारित नहीं होते हैं वही फॉर्म हमारे पेंडिंग बियॉन्ड टाइमलाइन में दिखते हैं। तो ये फॉर्म पेंडिंग बियॉन्ड टाइमलाइन 1 जून को ये संख्या लगभग 60,000 थी जो घटके 21 पे आ गई है, परंतु अभी भी इसका शून्य होना शेष है। सबने इसमें बहुत प्रयास किया है और हमारी सीईओ ऑफिस की आईटी टीम भी लगातार जनपदों में बीआरसी ऑपरेटर से लेकर एनजीओ के साथ लगी रही है, लेकिन इसे हमें दो दिन में समाप्त इसलिए करना है क्योंकि 1-3 तारीख को आपका ईआरओ नेट अपडेशन के लिए फ्रीज रहेगा। जैसा कि हर महीने रहता है, हर महीने के अंत में ईआरओ नेट के अपडेशन होते हैं उसका डेटा ऑडिटिंग के लिए हम लोग नेक्स्ट मंथ के शुरू के 3 दिनों में भेजते हैं। उस दौरान फॉर्म्स का जिसके कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है परंतु इसमें अभी ईआर बोर्ड को आपने अपडेट नहीं किया है, फॉर्म का स्वीकार कर लेना एक अलग चीज है और इलेक्ट्रोल रोल को अपडेट करना ये उसकी अपन। 205 में जो सबसे संख्या यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है 311 कुशीनगर में है, 124 गाजियाबाद में दिख रहा है और 86 का फिगर जौनपुर में दिख रहा है, तो बाकी जनपदों में संख्या काफी कम है। पूरा शहर में शून्य है। इस माह 12 तारीख को उसकी आपको जांच करानी है। ये प्रक्रिया सारे ईआरओ हर साल साल दर साल करते आ रहे हैं, परंतु जो त्रुटि रहती है वो त्रुटि ये रहती है कि जिन एंट्रीज को हम लोग फोटो में जो डाउनफुल पाते हैं उनको जांच में सही पाए जाने पर हम लोग उसका फॉर्म साफ भरा जाने को तय करते हैं। इसीलिए डीएससी बार बार इसकी संख्या स्टेट में 28-30 हज़ार के आसपास रिफ्लेक्ट हो रही है। इस बार आप सारे ईआरओ से हम लोग निरंतर संपर्क में रहे हैं, डिप्टी डीओ से भी मैं भी निरंतर बात करता रहा हूँ और मुझे आशा है कि ये डीएससी जब रिवाइज होगी तो संख्या काफी कम हो जाएगी, परंतु चुनाव से पहले इस संख्या पे सतत दृष्टि रखनी होगी। डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज को क्लासिफाई करके फोटो मैच और डाउनफुल को फॉर्म 7 अनिवार्य रूप से भरा है। डीएससी मुख्यतः 3 तरह की होंगी, विदिन पार्ट है जहाँ पे एक ही एसडीएम साहब को एक्शन लेना है, जहाँ पर एसी विदिन एसी है या विदिन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जिले के ईआरओ से एंट्री डिलीट कर सकते हैं। समस्या वहाँ आती है जहाँ पर एक एंट्री एक से अधिक जनपदों में रिफ्लेक्ट हो रही है। यह मूलतः उस तरह के वोटर्स के बारे में होता है जो माइग्रेट करते हैं, गाजियाबाद में रहते थे अब कई और ट्रांसफर होकर चले गए, गाजियाबाद में नाम कटाया नहीं और वहाँ पे नाम बढ़वा दिया, तो सॉफ्टवेयर हमें सुविधा देता है।